हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नाइन क्लास एंड आई एम प्रेजेंट विद चैप्टर नंबर 15 ऑफ मैथमेटिक्स डेटा हैंडलिंग एंड थ्रू दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट ग्राफ्स ऑफ दिस चैप्टर। फ्लोटिंग पाथ, हाउ कैन वी ड्रॉ फ्लोटिंग पाथ इनसाइड द गिवन ग्राफ। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। चैप्टर नंबर 15, टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट? डेटा हैंडलिंग। दिस इज अ सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट? सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एंड थ्रू दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट ग्राफ्स, graphs, ग्राफ्स, विच मीन्स plotting, फ्लोटिंग पाथ, फ्लोटिंग पाथ। ठीक है, सो टू एक्सप्लेन और टू गिव दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑन द बोर्ड। फर्स्ट टू ड्रॉ द ग्राफ, फर्स्ट we have to draw a square like this, okay, all sides are equal in length, square, and after this we will draw column, 1 2 3 1 2 3 4, and one more, okay, four column, okay, and this side also 1 2 3, so four row and four column, 1 2 3 4, four row, 1 2 3 4, four column, and you can see that after draw the vertical, three vertical lines and three horizontal lines, this whole is square divided into small blocks, so this one square, it represent one blocks, what? One square, how many blocks, how many squares inside this square? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, total how many? Total 16 blocks, blocks, blocks. So what is block? So this side, this one area is called one block. So one square equal to one block. One square is called one block. One square is called one block. एक एक square को एक एक block बोलते हैं. Okay. So now I am going to write the first question. First question. Okay. So first question is, one square equal to, not equal, one square is called one block. I have written this side. Now I am going to write the definition. I am going to write the question. Question number one is, a boy walks, ठीक है, अ बॉय वॉक्स थ्री स्टेप और थ्री ब्लॉक्स राइट, थ्री ब्लॉक up and two blocks left. So this is question.
दिस इज क्वेश्चन इज अ बॉय वॉक्स थ्री ब्लॉक राइट थ्री ब्लॉक्स अप टू ब्लॉक्स लेफ्ट. इट मीन्स अब देखिए ये बॉय जो है ये लड़का जो है इस स्क्वायर के अंदर मूव कर रहा वॉक कर रहा है. कैसे कैसे वॉक कर रहा है थ्री ब्लॉक्स राइट. सपोज दैट दिस बॉय इज हियर इन दिस बॉक्स एंड फर्स्ट दिस बॉय विल गो थ्री ब्लॉक्स राइट. सो वन ब्लॉक टू ब्लॉक थ्री ब्लॉक वन ब्लॉक टू ब्लॉक थ्री ब्लॉक. फर्स्ट दिस बॉय विल गो फ्रॉम हेयर टू हेयर फ्रॉम हेयर टू हेयर. ओके फ्रॉम हेयर टू हेयर यहां से स्टार्ट करेंगे चलना. फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक थर्ड ब्लॉक वन ब्लॉक टू ब्लॉक थ्री ब्लॉक. फर्स्ट कंप्लीटेड थ्री ब्लॉक्स राइट. नाउ थ्री ब्लॉक्स अप फ्रॉम हेयर दिस बॉय विल गो अप अपवर्ड. हाउ मेनी ब्लॉक्स थ्री ब्लॉक्स. सो दिस बॉय स्टार्ट वंस अगेन टू वॉक अप अपवर्ड. हाउ मेनी ब्लॉक्स थ्री ब्लॉक्स वन टू थ्री. सो आफ्टर थ्री ब्लॉक अप दिस बॉय विल रीच इन दिस बॉक्स इन दिस ब्लॉक. ओके एंड आफ्टर आफ्टर रीच्ड हियर आफ्टर रीचिंग हियर टू दिस बॉय विल वॉक टू ब्लॉक्स लेफ्ट. हाउ मेनी ब्लॉक्स टू ब्लॉक्स लेफ्ट. सो फ्रॉम हियर दिस बॉय विल गो टू ब्लॉक्स लेफ्ट वन टू. फाइनली दिस बॉय विल कम हेयर. सो यू कैन सी दैट वन ब्लॉक टू ब्लॉक थ्री ब्लॉक वंस अगेन वन ब्लॉक टू ब्लॉक थ्री ब्लॉक वन ब्लॉक टू ब्लॉक थ्री ब्लॉक. आफ्टर दिस थ्री ब्लॉक अप वंस अगेन दिस बॉय विल कम टू ब्लॉक्स लेफ्ट. वो वन ब्लॉक एंड फाइनली टू ब्लॉक. इन टू ब्लॉक्स लेफ्ट दिस बॉय विल गो इन दिस ब्लॉक. सो दिस इज आंसर. ओके सो यू कैन सी दैट दिस बॉय हाउ डज दिस बॉय मूव राइट अप लेफ्ट वॉट एवर. ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कॉलम. आफ्टर ड्रॉइंग द फोर वर्टिकल लाइन्स दिस स्क्वायर डिवाइडेड इंटू वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कॉलम. वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव. आफ्टर ड्रॉइंग फोर हॉरिजॉन्टल लाइन्स दिस स्क्वायर ऑल्सो डिवाइडेड इन वन टू थ्री फोर फाइव फाइव रोज फाइव कॉलम्स. ओके सो ऑलरेडी आई टोल्ड वन ब्लॉक इक्वल टू वन स्क्वायर इक्वल टू वन ब्लॉक. नाउ आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू इज अ डॉग वॉक्स. अब यहाँ पर एक डॉगी है ठीक है. यहाँ पर क्या है डॉगी है. तो चलिए डॉगी नहीं लिखते अ गर्ल्स लिख देते हैं. अ गर्ल वॉक्स. अब बनाते हैं अ गर्ल वॉक थ्री ब्लॉक्स राइट फोर ब्लॉक्स अप टू ब्लॉक्स
और थ्री ब्लॉक, सॉरी थ्री ब्लॉक लेफ्ट एंड वन ब्लॉक डाउन। दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। दिस गर्ल्स इज हियर, दिस गर्ल इज हियर, ये गर्ल जो है यहाँ पर है। अब ये मूव करेगी, वॉक करेगी इनसाइड दिस फ्लोटिंग पाथ, इनसाइड दिस फ्लोटिंग पाथ, इसको फ्लोटिंग पाथ बोलते हैं। कैसे कैसे मूव करेगी? थ्री ब्लॉक राइट, फर्स्ट सी विल गो थ्री ब्लॉक्स राइट, सो स्टार्ट फ्रॉम हेयर, फर्स्ट दिस बॉक्स, दिस ब्लॉक रिप्रेजेंट वन, दिस स्क्वायर रिप्रेजेंट वन ब्लॉक, सो हाउ मेनी ब्लॉक? फर्स्ट सी विल गो थ्री ब्लॉक्स राइट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थ्री ब्लॉक्स राइट ऑलरेडी। आफ्टर कंप्लीटिंग थ्री ब्लॉक्स सी विल रीच इन दिस ब्लॉक, ओके इन दिस ब्लॉक। आफ्टर दिस फोर ब्लॉक्स अप, आफ्टर दिस सी विल गो फोर ब्लॉक्स अपवर्ड, ऊपर की ओर जाएगी, वन फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस फोर ब्लॉक सी विल रीच हेयर, यहाँ पहुंचेगी, ओके कंप्लीटेड। नाउ कम टू द थर्ड क्लू, थर्ड क्लू इज थ्री ब्लॉक्स लेफ्ट आफ्टर कंप्लीटिंग एरो मार्क, ये पता चल रहा है कि किधर जा रही है, ओके एरो मार्क भी दिखाना है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस फोर ब्लॉक्स अप, हाउ मेनी ब्लॉक्स लेफ्ट? थ्री ब्लॉक्स, सो फ्रॉम हेयर फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, पुट एरो मार्क। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस थ्री ब्लॉक्स लेफ्ट सी विल रीच हेयर, दिस इज ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ लास्ट क्लू इज वन ब्लॉक डाउन, एक ब्लॉक नीचे आएगी, सो आफ्टर दिस सी विल रीच हेयर। So this girl from here, after moving left, right, up, down, finally she will reach in this block. So from here to there. So student, this is also completed. So you can see that how can a boy, a girl, or dog or whatever can move inside this floating path according to this given clue or according to this given hints. So this is so simple questions. All of you will also do the practice of this type of questions in your notebook. Thank you.